संजू नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं जा रहा हूँ कोरोना वैक्सीन लगाने, जो कि मेरा सेंटर पद्धर में आया है। मुझे तो इसका कोई पता नहीं था कि किस तरह से इसको बुक करते हैं, पर मेरे भाई ने कर लिया सब कुछ जो भी होना था, और मुझे तो सिर्फ वैक्सीन लगाने जाना है। तो देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होगी या नहीं होगी, या फिर पैदल ही जाना पड़ेगा आज। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कल और परसों बारिश पड़ी थी, जिस कारण इसकी तेल की टंकी में पानी चला गया है और पानी को मैंने निकाल भी दिया है, पर देखते कि होगी या नहीं स्टार्ट। तो दोस्तों हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इसलिए अब पैदल यात्रा ही करना पड़ेगी पद्धर तक। धूप भी बहुत है आज तो, और कई दिनों के बाद होगी पैदल यात्रा। और मेरे साथ आशीष भी चल रहा है साथ में, तो मज़ा आएगा बातें करते करते। तो मिलते हैं बीच रास्ते में। Hold up. आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी बाइक क्यों नहीं ले जा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि डोमिनर 400 को मेरे बड़े भाई ले गया है। उसका सेंटर भी बहुत दूर आया है और ये तो मेरी किस्मत है कि मेरा सेंटर पद्धर में आ गया, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता, तो इसलिए आज पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये चले हम पैदल। हेलो, आ करवा रहा कुछ भाई क्या? हेलो कर देती है और कितनी भारी गंद रहे हमें। हाँ शर्म आंदा लग रहा, चार आ रहा भाऊ। 3 किलोमीटर है यहाँ से पद्धर, और 10 मिनट का काम है हमारे लिए, डेली जाने वाले बंदे के लिए। वो आ रहा बस, सब नहीं चल रही एक था। ये तो क्या बोला हुए, सब स्टेशन ग्वाली का सब स्टेशन। बूम 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 डूम। हॉर्न 5 यार, तेरा चेतक पे चले। ये सागे गाना नहीं आंदा, मन चस्का रहा है। क्यों? हमारे आशीष कुमार जी बहुत ही ज्यादा किस्मत के धनी है। ये देखिए बाइक, ग्वालियर में इनके अंकल जी मिल गए हमको और उन्होंने बाइक दे दी जाने के लिए। तो अब धूप में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखिए बाइक दिखाता हूँ मैं आपको हल्की हल्की। तो मिलते हैं आप पद्धर में दोस्तों। We'll be right back.
हॉस्पिटल ये पुराना वाला हॉस्पिटल है यहाँ वाला, और ये वाला नया, तो यहाँ लगेगी हमें। मेरा अप्लाई नहीं हुआ है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्योंकि सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने लगा ली वैक्सीन। तो अभी फिर से पैदल यात्रा शुरू। वैक्सीन लगाते बार क्या क्या हुआ और कैसा फील हुआ मुझे, वो मैं घर जाके बताऊंगा आराम से आपको। तो अब आशीष की विदाई होने वाली है यहाँ से अपने घर की ओर। अभी मैं बीच रास्ते में बैठ गया हूँ थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। और ये देखो यहाँ पर लगी वैक्सीन। 2 सेकंड और खेल हुंदारा बंदे हुई है, बोला बंदे भाई चक्कर आना कोई क्या, पर वो तो घर जाके लगेगा पता, क्योंकि 2 घंटे के बाद आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फील रहा मुझे वैक्सीन लगाते बार। तो अभी तो अपना रेस्ट चला है थोड़ी देर, और फिर जाऊंगा मैं घर, फिर बताता हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गर्म, कभी गर्म गर्म कभी नरम नरम, वैसी हालत हो गई आज। पर आज किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं थी कि आज लिफ्ट मिलेगी, पर देखो मिल गई। और बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना हमारा बच गया, तो घर हमारा थोड़ी सी दूर है सड़क से। मैं कभी आपको पूरी सड़क बताऊंगा शुरुआत से लेकर नीचे तक। और धूप बहुत ज़्यादा है, और हम चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। ये हमारी पक्की सड़क यहाँ से शुरू हो गई है, 4 लेन सड़क है हमारी, ये देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा हमारी सड़क का, पूरी तरह से पक्की है ये। ये देखिए यहाँ पर लूत बिछी हुई है, और बाइक वालों का तो ऐसे हाल होती है जाते बार की ठल 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 ठल, गाड़ी गुड़ी के लिए थोड़ा सा आसान काम हो जाता है लेना। यह सामान हम बाइक के ऊपर रख देंगे, ताकि अगर और बारिश भी पड़ जाए तो इसमें पानी ना जाए। बड़ा भाई मुरवाए ने बाइक आज, तो सेफ्टी पहले फिर चलो या ना चलो वो बाद में। बूम। तो हेलो दोस्तों, तो अभी मैं घर में पहुंच चुका हूं, और अब मैं आपको पूरी पूरी स्टोरी बताता हूं कि अंदर जाके क्या होगा और कैसे लगेगी फिर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो में मैं थोड़ी सी क्लिप ली है मैंने अंदर जाके भी, पर हिम्मत तो नहीं हो रही थी लेने की, पर तभी मैंने ले ली और दिखाया वो मैंने वो कमरा कि कैसा था अंदर का नज़ारा। और जैसे मैं अंदर एंटर हुआ तो उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी, और वो कोड होता है 1-4 नंबर का और सीक्रेट कोड वो बताया, और सीधा ही नाम उन्होंने मेरा देखा कि हाँ रोहित ठाकुर है, और साइड में लिया और वहाँ पर लगा ली। बस पूरी की पूरी 10 सेकंड का काम था, और उसके बाद था असली मेन काम। आधे घंटे तक बिठाया उन्होंने वहाँ पर कि किसी को या चक्कर ना आ जाए या फिर कुछ ऐसा, फिर अगर आ जाए और अगर वहाँ पर बंदा नहीं हो तो उनका ही नाम फंसेगा फिर कि आपने क्यों जाने दिया। तो इसलिए उन्होंने पूरे आधे घंटे तक बिठाया होगा मुझे, मैंने टाइम तो नहीं देखा था। और फिर उसके बाद उन्होंने पैरास्टामोल दी वो कि अगर अगर बुखार बुखूर आ जाएगा तो आप ये खा लीजिएगा, और
उन डॉक्टर का नंबर दिया कि अगर इमरजेंसी में अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और बस फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया कि हो गया अब आधे घंटे के बाद। और रही बात वैक्सीन की, तो मेरा हाथ थोड़ा सा भारी हुआ है, जो कि नॉर्मल सी बात है, इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी सी सूजिश तो आ ही जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर लगी है वैक्सीन यहाँ ऊपर, और अभी तक तो बिल्कुल मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, 1% भी ना चक्कर ना बुखार ना कुछ। और देखते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो उल्टा मेरे लिए ही अच्छा है। और मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, अफवाह है कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, मर रहे हैं लोग, तो वो सिर्फ अफवाह है। कभी कभी हो सकता है कि कुछ हो, पर 100 में से 1% ही बोल सकते हैं। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन लगा लो। और ये ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि उससे इससे मरते हैं लोग। और जो लोग नए मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।